ठीक है, नमस्कार। मैं ये जो है यहाँ पे एक सुबह से आज यहाँ पे हमने इम्यूनिटी बूस्टर कैंप लगाया था विद द हेल्प ऑफ बीजेपी जो है, उनकी हेल्प की तरह से यहाँ हमने लोगों को कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे करना है, बाकी जो इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन है वो उनको दिए हैं, और इसके अलावा मास्क वगैरह भी जो बांटे हैं, और कैसे जो इस कोविड के जो कितना बड़ा जो फैला हुआ है इस पैंडेमिक में कैसे उन्हें अपने जो है ख्याल रखना है, और कैसे उन्हें बिहेव करना है, कैसे मास्क पहनने, हैंड वॉश वगैरह, और जो कैसे उन्होंने जो घर में जो कुछ मेडिसिन है जैसे हल्दी वगैरह देनी है, ये सब उनको समझाया ताकि जो है यहाँ पे कर सकें। और ये कैंप बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे, और सुबह से हम यहाँ पे लगे हैं और दो अभी एक दो बज चुके हैं, तो कम से कम 200 से ऊपर जो है यहाँ पे लोग आए, उससे भी ऊपर आए, और हमने यहाँ पे बड़ा अच्छा किया। आदाब टू एवरीवन। आज हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे जलास बस स्टैंड में विद द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, और यहाँ पे लोगों को मुफ्त दवाई मिली और चेकअप हुआ उनका। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये कोविड का आजकल दौर जो चल रहा है, इसमें लोग हॉस्पिटल तक भी पहुंचना उनके लिए मुश्किल है, तो हम चाह रहे हैं कि हम ही उन तक पहुंच जाएं और उनको ये दवाइयां दिया कराएं ताकि वो इस बीमारी से भी बचे रहें। वैसे भी आयुर्वेद का कहना है कि पहले बीमारी होने से पहले ही हमें लोगों का ऐसा इम्यूनिटी बढ़ानी है कि उनको कोई बीमारी हो ही ना। जैसे कि स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम च, इसका ये मतलब है कि जब किसी को बीमारी हो जाए तो वो तो ट्रीटमेंट करेंगे ही, लेकिन किसी को बीमारी ना हो इसके लिए हम कौन सी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं जो उनको दे सकते हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो और ये इस पेंडेमिक से उनकी हिफाजत हो सके। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द वर्कर्स ऑफ द पार्टी हु हैव हेल्प्ड अस एंड सपोर्टेड अस टुडे इन ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप। थैंक यू सो मच। आज हमने यहाँ पर सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई चीजें हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए आयुष्मान की तरफ से यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप लगाया। पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और आयुर्वेदिक जो डिपार्टमेंट है उसकी पूरी टीम यहाँ पर जुलास के अंदर, शोक के अंदर यहाँ पर सुबह से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और सैकड़ों लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ तकसीम की गई हैं। लोगों को डॉक्टर द्वारा समझाया गया कि आपको आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, वो सभी इनके पास यहाँ पर उपलब्ध थी और लोगों को यहाँ पर दी गई हैं। हम आशा करते हैं कि लोग इसके दो फायदे हैं। एक तो इस वक्त जो कोरोना का रिकॉल है इसमें लोगों को इसका फायदा होगा। दूसरा जो सबसे अहम बड़ा मुद्दा है वो यह है कि यहाँ हिंदुस्तानी लोग हैं हम, हमको आयुर्वेदिक के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी से कोई भी साइड इफेक्ट इंसान को नहीं होता है। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों आज गाँव जलास में जो है एक मेडिकल आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया था, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान सुनील गुप्ता जी मुख्य तौर पर अतिथि रहे यहाँ पर। आज का ये जो कैंप है, लॉकडाउन के चलते हुए जैसे लोगों को जो है बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी, लोगों के पास मजदूर लोगों के पास पैसे नहीं थे दवाइयाँ लेने के लिए या कुछ, तो हमने ADMO साहब आयुष के जो है उनसे गुजारिश की थी कि हमें विभिन्न स्थानों पर जो है ये कैंप आप ऑर्गेनाइज करवाएं जिसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। जैसे हमने पहले आज तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, ऐसे ही हम आपके साथ रहेंगे और साथ रह के ये आपके जितना भी स्टाफ है उनके साथ मदद करके ये कैंप लगवाएंगे। तो आज हमारा ये पहला कैंप था और बहुत अच्छा रहा। इसमें लगभग 200 से 250 लोग जो हैं इसमें दवाई लेके गए हैं, मेडिकल की पूरी किट्स हैं, इम्यूनिटी किट्स हैं, च्यवनप्राश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दवाइयाँ जो हमने जो है लोगों को दी हैं। तो हम आशा करते हैं कि लोग जो है आयुर्वेदिक पे भी ध्यान देंगे और ये इन दवाइयों से उनको फर्क भी पड़ेगा, इसलिए आज जो है गाँव जलास के अंदर ये कैंप लगाया गया। आज यहाँ जलास चौक के अंदर आयुष मेडिसिन की तरफ से एक कैंप लगाया गया। यहाँ पर लोगों को 250 से 300 लोगों को यहाँ पर मुफ्त में दवाई वितरण की गई। वो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब भी मौजूद थे, उनका पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद था, और लोगों को उन्होंने समझाया कि ये दवाई लेने से अपने इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है। इसमें खांसी, जुकाम, जो च्यवनप्राश और बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ, मैंने देखा कि बहुत अच्छी दवाइयाँ थी जो लोगों को यहाँ पर वितरित की गई, और लोगों को ये बताया गया कि अपना इम्यून सिस्टम करें, कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ सरकार ने इतनी अच्छी भेजी है उसका इस्तेमाल करें। मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो कैंप लगाया, ये कैंप और भी लगेंगे, हमने लिख कर दिया हुआ है वहाँ पर, और भी कैंप लगाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि इस कोरोना महामारी के अंदर जो ये जो आयुर्वेद है इसका एक बहुत बड़ा लाभ है जो लोगों को लेना चाहिए। इसमें एक दवाई ऐसी है जो अपने नाक में आप डालकर दो बूंदे जो पूरा नाक का सिस्टम है वो खुल जाता है, गले के लिए हर चीज़ के लिए दवाई है।
मैं आपके माध्यम से सिर्फ लोगों से यही कहूंगा कि आयुर्वेद हमारी सबसे जो पुरानी संस्था है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद की दवाई खाकर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कोई और परेशानी नहीं होती है जैसे दूसरी दवाइयों से होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इस दवाई को ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं अंत में आयुष का जो यहाँ पर हेड है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कैंप लगाकर लोगों को इस दवाई के लिए अवेयर भी किया और लोगों को दवाइयाँ देकर लोगों का मनोबल भी बढ़ाया कोरोना से लड़ने के लिए। शुक्रिया।